नमस्कार मित्रों, मैं सुमित सिंह और आप सभी लोगों का अपने चैनल EWS में स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे। और आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने वाला हूं, इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि महादेवी वर्मा जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय मैं अपलोड कर चुका हूँ। उसके साथ साथ हर विषय से रिलेटेड वीडियो बना के मैं जो मुख्य चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम पेपर में आने वाले हैं उस सभी का वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। आप हमारे चैनल पर जाकर वहां देख सकते हैं। बाकी आज हरिशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय मैं बताने वाला हूं एकदम शॉर्ट तरीके से, ठीक है, बिल्कुल लॉन्ग नहीं है। काफ़ी बच्चे बहुत बड़ा सोचते हैं तो कुछ बड़ा सोचने वाली बात नहीं है। आप शॉर्ट भी लिखेंगे तो 5 नंबर आपको फिक्स मिलेगा, ठीक। तो ये एग्ज़ाम पेपर में आने वाले बस मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैं आपको 4 ही बस जीवन परिचय कराने वाला हूँ, जिसमें एक हरिशंकर प्रसाद जी हैं, जो शंकर प्रसाद जी हैं, और महादेवी वर्मा जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इन चारों का आपके एग्ज़ाम पेपर में आना अनिवार्य है इस वर्ष यानी 2024 में, ठीक। तो बिना समय लिए चलिए हम चर्चा करते हैं शंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय पर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो एग्ज़ाम पेपर की कॉपी में हेडिंग लिखते हैं जीवन परिचय, और जीवन परिचय में पूरा हम उनका विस्तारपूर्वक या शॉर्ट कहें शॉर्ट पूर्वक, सूर्य विस्तार की बात नहीं कीजिए, शॉर्ट पूर्वक उनका हम जीवन परिचय का कुछ मोस्टली चीज़ें लिखते हैं। तो जैसे मैं हमने यहाँ पे लिखा है कि श्री हरिशंकर जी का जन्म मध्य प्रदेश में इटारसी के निकट जमानी नामक स्थान पर 22 अगस्त 1924 में हुआ था। यानी बात समझिए, हरिशंकर प्रसाद जी का जन्म मध्य प्रदेश, जो भी फिलहाल में वहाँ पर चुनाव हुआ है और चुनाव हुआ है जिसमें भारतीय जनता पार्टी का विजय हुआ, जिसमें वहाँ के मुख्यमंत्री जो डॉक्टर मोहन यादव को बनाया गया है, ठीक है। मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि मध्य प्रदेश इटारसी, वहीं का इटारसी नाम है, ठीक है, मध्य प्रदेश में ये पड़ता है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, ठीक है। में हुआ स्थान पे सन कौन सा है, तो सन को देखिए, कभी भी जो मुख्य वर्तनी होती है उसको आप क्या बोलते हैं, ब्लैक पेन से ही उसको लिखा जाता है, लेकिन हम रेड पेन का यूज किए हैं, लेकिन आपको पेपर में रेड पेन का यूज नहीं करना है, ठीक। तो 2024 का ये एग्ज़ाम पेपर के लिए काफ़ी मोस्ट रहेगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो कितना कब हुआ था, 22 अगस्त 1924 को इटारसी में हुआ था, ठीक। आगे है, आरंभ से लेकर स्नातक स्तर तक की इनकी शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। यानी आप समझिएगा, आरंभ से लेकर यानी बचपन काल से, यानी जब हम एक से या नर्सरी से जब पढ़ना चालू करते हैं उस समय से लेकर स्नातक तक, या स्नातक यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, इनकी जो एमए, जो भी डिग्रियाँ इनकी थी, वो टोटल डिग्रियाँ की जो उपाधि इनको मिली थी वो मध्य प्रदेश से ही इन्होंने ग्रहण किया था, ठीक। और आगे की बात चलें, नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी में एमए की शिक्षा ली। यानी नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में इन्होंने एमए किया, यानी बीए के बाद एमए किया, कौन से विषय से, तो हिंदी विषय से एमए किया, ठीक। उसके बाद है, प्रसाई जी ने कुछ वर्षों तक अध्यापन कार्य किया। यानी अब बात समझिएगा, प्रसाई जी कुछ वर्ष, मतलब कुछ वर्ष का मतलब समझ रहे हैं कि कुछ वर्ष अध्यापन का कार्य का मतलब पाठन का कार्य जो होता है, जो टीचर के कार्य किया, टीचर के तौर पर, अध्यापक के तौर पर इन्होंने कार्य किया था, और तथा साथ ही साथ, यानी अध्यापन के कार्य के साथ ही साथ साहित्य सृजन आरंभ किया। साहित्य सृजन का मतलब लिखना आरंभ किया। इन्होंने जबलपुर से वसुधा नामक साहित्य मासिक पत्रिका का संपादन और प्रकाशन प्रारंभ किया। यानी अब देखिए, जबलपुर भी वहीं पे है, ठीक है। तो इन्होंने इसके सभी कार्यों के साथ साथ, यानी पाठन अध्यापन कार्य के साथ साथ, साहित्यिक सृजन के साथ साथ, इन्होंने जबलपुर से वसुधा नामक साहित्यिक मासिक पत्रिका का संपादन और प्रकाशन प्रारंभ किया। यानी लोगों को पढ़ने के योग्य इन्होंने मासिक यानी मंथली संपादन करना शुरू कर दिया, और प्रकाशन करके लिख कर उसको मार्केट में उपलब्ध कराते थे। परंतु आर्थिक घाटे के कारण, अब देखिए, जो बिजनेस करता है तो कभी लाभ भी होता है तो कभी हान भी होता है, तो उसी तरह इनके साथ भी हुआ
कि आर्थिक घाटे के कारण उसे बंद करना पड़े, यानी जो प्रकाशन का काम इन्होंने शुरू किया था उसमें इनका लाभ नहीं हुआ, जिसके वजह से इनको क्या करना पड़ा, बंद करना पड़ा। और आगे 10 अगस्त 1995 को जबलपुर में इनका देहावसान हो गया, यानी 1924 में जन्मे और 10 अगस्त 1995 में इनका क्या हो गया, देहांत हो गया, यानी ये इनका स्वर्गवास हो गया। ठीक, अब इनकी रचनाएं देखते हैं। तीन इनकी निम्न रचनाएं, सेम हेडिंग देखिए, रेड पेन का आपको यूज नहीं करना है, मैं बार बार बता देता हूँ, हमने किया है, आप मत कीजिएगा पेपर में। ठीक, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसे निरंतर हमारा और आपका जो विश्वास से अटूट रहेगा तो हमारा विकास होगा। ठीक है, तो देखिए इनकी कृतियाँ जो थी, कहानी जो इन्होंने लिखा था उसमें है हंसते हैं रोते हैं, ठीक, और दूसरा कैसे उनके दिन फिरे, और इनके द्वारा उपन्यास लिखा गया था, उपन्यास में इन्होंने लिखा था रानी नगफनी की कहानी तट की खोज, यानी उपन्यास में रानी नगफनी की कहानी तट की खोज, और निबंध संग्रह में तब की बात और थी, भूतों के पांव पीछे, बेमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि आपको कवि हो या लेखक हो, उनका उनकी रचनाएं याद करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्न में ज़्यादातर करके रचना ही पूछे जाते हैं, और ये भी पूछा जाता है कि निगुट सखा, सुगुट सखा, छायावादी युग के, भारतेंदु युग के कौन कवि कौन लेखक हैं, तो इस टाइप के जो प्रश्न हैं उन पर आपको बेहतर ध्यान देना चाहिए, ताकि आपसे ओके जो भी क्वेश्चन है वो छूटे ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ साथ मैं आपसे कहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बाकी जो पाठ्य का कार्य है वो निरंतर चलता रहेगा, हमारे चैनल पे आपको हर एक चीज़ का वीडियो उपलब्ध होता रहेगा और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक, तो मैं उन सभी बच्चों से यही कहूँगा कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और मेरा एक ही चैलेंज रहेगा कि आपको पास कराना है तो पास कराना, वो भी कम नंबरों से नहीं, 90+ तो 90+। ठीक, तो चलिए हम इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक आप अपनी तैयारी कीजिए, इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ किसी भी वीडियो में, आपको पता ही है, और ज़्यादा कुछ मैं अलग बोलता भी नहीं हूँ, ताकि समय बहुत कीमत होता है, इसलिए समय का ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं, और फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। जय हिंद।